सर, पिछले आप जो भी राजनीति पिछले 20 सालों से देख रहे हैं, 15 साल तक राजकिशोर सिंह मंत्री रहे, विधायक रहे, 5 साल अजय सिंह जी विधायक रहे, यहाँ के पाठक जी ने सन 2017 में उनका समर्थन किया था, आज कुछ समर्थक पाठक जी के साथ में जुड़े हुए हैं तो भाजपा कार्यकर्ता उनको जातिवादी बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है सर, ये कहना सही है? नहीं, अगर अगर ऐसा किसी को लग रहा है, ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं, इस पर भी विचार करना होगा कि क्या मूल आधार है उनका, क्या उनके समर्थक वर्ग किस तरीके से जुड़े हुए हैं उनके साथ। इन सबको देख के ही कोई व्यक्ति कोई टिप्पणी या टीका कर रहा है सामान्य रूप से। अगर नहीं है तो पाठक जी को इसको डिनाई करना चाहिए, ये प्रूव करना चाहिए कि नहीं, मैं एक जाति की राजनीति नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ वर्ग तमाम वर्गों के लोग ऐसे चेहरे हैं जो सामान्यता दिख रहे हैं और ये आरोप मेरे ऊपर मिलते। ये तो पाठक जी को डिनाई करना, मैं कैसे डिनाई कर सकता हूं उनकी बात कि वो राजनीति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका खंडन तो पाठक जी स्वयं कर सकते हैं। नहीं, जाति बात का कोई मुद्दा नहीं है, सर्व समाज के लोग, गरीब अमीर छोटे बड़े सभी लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। माननीय हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगभग 1 साल से पूरी तैयारी करके सबको जोड़े हैं, सबको जोड़ने का काम की। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, माननीय मौर्या जी को, तो ऐसे तमाम लोगों को, तमाम छोटी छोटी पार्टियां, अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ करके उन्होंने एक मजबूती दिया है जी। आप देखे होंगे जो पहला चरण का चुनाव हुआ है 58 में 50 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। हमारा एजेंडा है, एजेंडा हमारा छप रहा है, कुछ एजेंडा पहले था, हमारा घोषणा पत्र है, बन के आ रहा है, आप घोषणा पत्र पढ़ लीजिएगा, आप नहीं जो भी पढ़ेगा, जो भी घोषणा पत्र पढ़ेगा वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को वोट करेगा।